आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक। सिंडिकेट बैंक का जो कैनरा बैंक में विलय हो गया, मर्ज हो गया, उसके बाद काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी IFSC कोड और MICR नंबर और ब्रांच कोड के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं वीडियो के माध्यम से, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो इसमें हम आपको लाइव करके प्रोसेस करके आज आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि जो नया IFSC कोड है, ब्रांच कोड है, MICR नंबर जो कोड है, वो लाइव कैसे हम पता करेंगे अपने ब्रांच का, अपने एरिया का। आप ऑल इंडिया ओवर कहीं कभी पता कर सकते हैं जो भी नए आपका MCR नंबर और IFSC कोड और ब्रांच कोड जो चेंज कर दिए गए। तो ये कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे लाइव करके, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं इंटरफेस, इसी तरह से हम आपको पूरी लिस्ट आज आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फ़ोन पर या डेस्कटॉप या लैपटॉप पर आपको जाकर गूगल पे सर्च करना होगा कैनरा बैंक। जैसे आप कैनरा बैंक सर्च करेंगे आपको ऊपर ही कैनरा बैंक की वेबसाइट मिल जाएगी। वैसे मैं आपको इस अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में आप चेक करेंगे, हम आपको लिंक भी डायरेक्ट दे देंगे, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट क्लिक करके वेबसाइट पर आ सकते हैं आसानी से, आप सर्च भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपका कैनरा बैंक का लिंक भी इसमें दे दूंगा इस वीडियो में, तो आप चेक कर लेना, यहाँ से आप वेबसाइट पर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो ऐसे इंटरफेस ओपन होगा, जो कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है कैनरा बैंक की, इसी में आपको आना है। तो इसमें हम आपको लाइव करके दिखाएंगे, इसे इंटरफेस दिखेगा, आप देख सकते हैं स्क्रॉल अप डाउन करके हम आपको पूरा इसमें इंटरफेस दिखा रहे हैं, ताकि आपको पहचान हो जाए कि हाँ ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें हम जैसे स्क्रॉल ऊपर करते हैं तो इसमें आपको लिखा होगा कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, इस तरह से कई सारे ऑप्शन इसमें दिया, पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टर। इसमें सबसे पहले आपको इसमें ऑप्शन देख पा रहे होंगे आपको टेंडर के बगल में अमालगमेशन, जी हाँ दोस्तों, इसमें अमालगमेशन का ऑप्शन जैसे हमने क्लिक किया येलो हो गया, अमालगमेशन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। ऐसे इसमें प्रोसेसिंग होगा, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, 1-2 सेकंड का टाइम लग जाता है, उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा, आपको स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आ गया, इसमें आपको देख पा रहे होंगे अमालगमेशन ऑफ सिंडिकेट बैंक इनटू कैनरा बैंक। इसमें जैसे इंटरफेस खुलेगा, इसमें आपको सबसे पहले आना है जनरल टोल फ्री नंबर कैनरा बैंक, इसमें आपको देख पा रहे हैं 1-8-4-2-5-0-0-1-8 है, उसके बाद जनरल टोल फ्री नंबर ऑफ सिंडिकेट बैंक, इसमें इसका भी नंबर है, प्लस जनरल टोल फ्री नंबर ऑफ सिंडिकेट बैंक का, इस तरह से तीनों इसमें टोल फ्री नंबर दिए हैं। तो आप टोल फ्री नंबर से भी बात करके पता कर सकते हैं और भी इंफॉर्मेशन जानकारी बैंक से जुड़ी अपडेट वगैरह आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना क्या है, आपको स्क्रॉल करना है, आप वीडियो पे बने रहना, हम आपको पूरा लाइव प्रोसेस करके बता रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा, यहाँ पे हम क्या प्रोसेस करेंगे कि आपको कैनरा बैंक की और जो आपका सिंडिकेट बैंक का जो न्यू IFSC कोड चेंज होकर नया आ रहा है वो कैसे हमें पता चलेगा, तो आपको ये यहीं हम आपको डायरेक्ट दिखाने जा रहे हैं लाइव। तो इस वीडियो पे यहाँ पर ध्यान से आप ज़रूर देखना, जैसे हम आप आते हैं तो ठीक इसमें आप देखते रहना, इसमें सबसे पहले इसमें ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें न्यू MCR कोड में, इसमें हमने क्लिक कर दिया, इसी ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो जैसे इसमें जैसे आपने क्लिक किया, इसमें एक PDF फाइल पूरा आ जाएगी, जैसे आप PDF फाइल आप देखते हैं देख पा रहे हैं इंटरफेस कैनरा बैंक का, इसमें पूरा PDF फाइल देख पा रहा है। इसमें आपका लिखा है ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, ओल्ड MCR कोड, न्यू MCR कोड, ओल्ड IFSC कोड, न्यू IFSC कोड। तो इस तरह से ये नया PDF फाइल खुल जाएगा। इस PDF फाइल में जितने भी पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं, डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कुल मिलाकर पूरे जो IFSC कोड, ब्रांच कोड, MICR नंबर जितने भी चेंज कर दिए के पूरा लिस्ट इसमें आपको मिल जाएगा। ऊपर से नीचे आप स्क्रॉल करके पूरा लाइव देख सकते हैं इस वीडियो में, प्लस आप वेबसाइट में जैसे मैंने आपको तरीका बताया उस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा स्क्रॉल करके इसमें पूरी लिस्ट जानकारी आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। वीडियो पे भी बने रहना, वीडियो पे भी आपको हम कम से कम 20-25 पेज का इसमें हम आपको नया जो कोड है IFSC कोड हम आपको लाइव करके इसमें दिखा रहे हैं, तो इसमें वीडियो पे आप बने रहना। तो इसमें आप स्क्रॉल करके पूरी लिस्ट धीरे धीरे भी देख सकते हैं, और जो वीडियो में आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ लिस्ट हैं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जा रही है, इसमें वीडियो में दिखाना मुश्किल हो पा रहा है, इसमें कुछ हम आधी लिस्ट हम आपको इसमें दिखा पाएंगे। तो आप इस वीडियो को मतलब पॉज करके, रोक करके और स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसमें IFSC कोड वगैरह आप देख सकते हैं और रख सकते हैं,
और उसके अलावा एक और भी ऑप्शन है, आप जैसे मैंने आपको तरीका बताया केनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके अमालगमेशन में आपको क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन में आओगे तो वहाँ पे आपको जो ऑप्शन नया है उसी आईएफएससी कोड एमसीआर नंबर न्यू उसी में आपको क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको पीडीएफ फाइल पूरा मिल जाएगी। आप इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल कंप्यूटर पर, या आप फाइल सेव कर सकते हैं, आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग का काम करते हैं, सीएसपी पॉइंट है, अगर आप बैंक से जुड़े काम करते हैं तो आप प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हैं, या तो आप किसी को भेजना हो तो भी आप इसमें जो पीडीएफ फाइल है आप गूगल ड्राइव पर सेव करके भी उसमें फॉरवर्ड करके भेज सकते हैं, आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें हमने कुल मिला के इसमें 154, जी हाँ दोस्तों 154 का इसमें पेज है, 154 का पीडीएफ फाइल तो पूरा निकलेगा। इसमें हमने फिलहाल कुछ 20-25 फाइल दिखा रखा है, तो आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके और स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। पर सबसे अच्छा आपका आसान तरीका रहेगा, आप ऑनलाइन जैसे मैंने आपको तरीका बताया उस तरह से आप डाउनलोड करके इस पीडीएफ को रख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये रहा एक तरीका, बहुत आसान है। प्लस हमने आपको जो फर्स्ट टाइम बीच में वीडियो में दिखाया था उसमें आप टोल फ्री नंबर थे जो तीनों सिंडिकेट बैंक का, केनरा बैंक का, तो जनरल इन्फॉर्मेशन और कस्टमर केयर नंबर, उन तीनों नंबरों से भी जानकारी आप लेकर पता कर सकते हैं फ़ोन से। प्लस आप अपने नज़दीकी केनरा बैंक, जो आपका केनरा बैंक है, उसमें जाकर आप पता कर सकते हैं, अपनी बैंक शाखा में जाकर पता कर सकते हैं, मैनुअली भी आपको मिल जाएगा। इससे क्या है, आपको कन्फर्मेशन पूरा मिल जाएगा। और ये 31 मार्च 2021 से ये आईएफएससी कोड न्यू चलने लगेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताना। बैंक से जुड़ी जानकारी अपडेट न्यूज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम आपको इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे। और रही बात इसकी जानकारी के लिए, तो बैंक से भी पता कर सकते हैं टोल फ्री नंबर से, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भी बैंक से जुड़ी जानकारी अपडेट पाने के लिए आप कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं हम आपको नए वीडियो में, थैंक यू सो मच।